हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों में। यदि आप छत्तीसगढ़ से या किसी अन्य किसी भी विश्वविद्यालय से एम कॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, एम कॉम की पढ़ाई करने जा रहे हैं, एक एक सवाल, एक एक टॉपिक पर अगर आपको क्लास लेनी है तो मैं आपको ईमानदारी से बता दूँ, सबसे सस्ता मैं पढ़ाता हूँ। अपने हिसाब से या आपके हिसाब से मान लीजिए सबसे अच्छा कोचिंग मैं आपको देने की गारंटी देता हूँ। ये मेरा थोड़ा सा प्रचार है, जिससे अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती है एम कॉम की क्लास की, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालय में लागू है। खासकर मैंने यहाँ जो उठाया है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग का सिलेबस है। लेकिन आजकल आपको मैं बता दूं पूरे ऑल ओवर जैसे एक स्टेट एक सिलेबस चलता है, एक स्टेट में जितनी यूनिवर्सिटी है एक सब्जेक्ट चलता है, पहले आगे पीछे रहता था, अब सबका सिलेबस एक कर दिया गया है। पहला सब्जेक्ट है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र को मैनेजरियल इकोनॉमिक कहते हैं। इसमें 80 नंबर का पेपर होगा आपके, जिसे एनुअल एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम आपने दिया होगा, ठीक है। 20 नंबर का आपका इंटरनल एग्ज़ाम होगा। इंटरनल का मतलब होता है कि जो आपके कॉलेज की तरफ से 20 नंबर प्रदान किए जाएंगे, 20 नंबर में टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट तैयार कराया जाएगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट होता है एडवांस अकाउंटेंसी। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के नाम से ही मत जाइएगा, सब्जेक्ट के अंदर का मटेरियल भी आपको मालूम होना चाहिए कि मैनेजरियल इकोनॉमिक में कौन कौन से चैप्टर सिलेबस में आते हैं। सब्जेक्ट में मोटी सी किताब आती है, मोटी सी में कुछ पढ़ना रहता है, कुछ नहीं पढ़ना रहता है, ये भी ध्यान देना है। अगला है एडवांस अकाउंटेंसी। एडवांस अकाउंटेंसी को उच्चतर या बृहद लेखांकन के नाम से जाना जाता है। अगर आपने बुक नहीं ली है तो कभी भी बुक लेना, तो डॉक्टर एस एम शुक्ला जी की बुक लेना या डॉक्टर एस के सिंह की बुक लेना, क्योंकि जो मार्केट में उपलब्ध हो, जो हम आपको पढ़ा सकें, जो हमारे पास से आपको वीडियोज़ मिल सकें। देखो, बुक से पढ़ोगे तो फ़ायदा रहेगा। एडवांस अकाउंटेंसी सर्च कर लेना, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक उपलब्ध है। उसके बाद इसमें जो दिया गया है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, आयकर विधान एवं लेखे। इनकम टैक्स का जो सब्जेक्ट होता है मेरे भाई लोग, मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छी बुक हमारे पास है, डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा की बुक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं ये बुक है, ठीक है। अगर आप बुक लेंगे तो एक एक सवाल की पूरी वीडियो मौजूद है लाइन से, उतना आपको किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में या मैं खुद नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई हुई है, मैं अपना प्रचार भी कर रहा हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप आगे चलते हैं तो आगे इसमें दिया गया है स्टैटिकल एनालिसिस, डॉक्टर एस एम शुक्ला जी की बुक है हमारे पास, मोटी सी बुक है, डॉक्टर एस एम शुक्ला की बुक है। इसमें से कुछ चीज़ें पढ़नी रहती हैं, कुछ नहीं पढ़नी रहती हैं, अभी मैं आपको बता दूं ताकि आप परेशान ना हो इतनी मोड बुक देख करके। तो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया कौन कौन सा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एडवांस अकाउंटिंग, इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट, स्टैटिकल एनालिसिस, कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क। कॉरपोरेट लीगल फ्रेमवर्क की बुक साहित्य भवन पब्लिकेशन को की आपको मिल जाएगी जल्द से जल्द। अगर आपको पढ़ना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे, कुछ डेमो क्लास दे देंगे, एक दो वीडियो, चार वीडियो, दस वीडियो, अगर आपको पसंद आता है तो आप लीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो आप कहीं से भी आ पढ़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। इस वीडियो में इतना ही, अब आपके लिए नई वीडियो लाएंगे, तब तक जय हिंद।